हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रीट एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी है, 16 फरवरी कर दी है, जो कि पहले 9 फरवरी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट लेवल सेकंड की जो वैकेंसी थी वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि लीक का मामला सामने आया था। बट लेवल थर्ड यानी कि जो प्राइमरी टीचर की जो अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो चल रहा है वो एज इट इज़ चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो जनरल टीचर की जो वैकेंसी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के 110 से 115 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 110 से ज़्यादा मार्क्स, 115 से ज़्यादा मार्क्स, 120 के आसपास मार्क्स हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने एवं पूर्व में भर चुके आवेदन में संशोधन हेतु। संशोधन कहते हैं दोस्तों, जो भी आपने अगर कुछ भी गलत कर दिया तो उसमें करेक्शन कर लें, यानी कि करेक्शन का चांस दिया यहाँ पर। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी, उसके रिगार्डिंग में मैं बात करने वाला हूँ। मेरे चैनल एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बता दूँ कि दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो नोटिस है मैंने किस वेबसाइट से डाउनलोड किया, तो वो मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर आके ये नोटिस खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन जो है आवेदन करेंगे। दोस्तों, कुछ नए बच्चे होंगे जो पहली कर रहे होंगे, उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो नोटिस है इसके हिसाब से आप सबसे पहले जाएंगे यूट्यूब पे, सर्च करेंगे एजुकेशनल हब चैनल, जो कि हमारा चैनल है जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। जाके आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब जब आप कर लेंगे तो लास्ट की जो वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने यही बताया था, क्या स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक बन सकता है। तो इसका आंसर है यस, जो कि अभी डेट एक्सटेंड कर दी है, तो जो स्पेशल एजुकेटर है जिनके ज़्यादा मार्क्स है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। एक ये वीडियो है SSO ID बनाकर किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। एक तो ये वाली वीडियो हो जाती है। अब दूसरा दोस्तों, इस वीडियो को आप यहां से भी देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास, हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटल रिटार्डेशन और विजुअली इम्पेयर्ड। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपको अगर आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कोर्स किया तो आप किस में चूज़ करेंगे, आपने ऑटिज्म में किया तो किस में चूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे बोला था कि कोई किसी में भी चूज़ कर सकता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। आपका जो कोर्स है यानी कि जैसे आपने डेफ ब्लाइंड में किया हुआ है तो VI चूज़ करेंगे, आपने डेफ एंड डम में किया हुआ है तो आप HI चूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ और थी जो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, मैंने एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन करी थी, 10th और 12th के लिए 24 महीने जो कि आपको दिख भी रहा होगा, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 10th क्लास में अगर आपको ईयर डालने वो मंथ डालने तो आप 12th मंथ डालना, और जो आपकी 12th है उसके लिए भी 12th मंथ डालना, यानी कि एक साल में कंप्लीट हो जाती है 10वीं और एक साल में कम्प्लीट हो जाती है 12वीं। अगर आप 24 महीने भी करते हैं तो भी कोई इशू होने वाला नहीं है, बट आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि जैसे मैंने जानकारी दी थी मुझे लग रहा है कि अगर काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि सर आप ऐसे बता रहे हो, तो प्लीज़ करेक्शन कर लेना। एक तो ये वीडियो है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पर भी देख सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने SSO ID किस तरह से बनाकर आप अप्लाई करेंगे, वो भी मैंने जानकारी दी अपने चैनल पर, तो वो भी देख सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, रीट 32,000 टीचिंग पोस्ट में इस तरह से आवेदन करें, SSO ID से फॉर्म कैसे करना है ये मैंने बता दिया। यहाँ पर SSO ID बनाकर मैंने बताया कि फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, तो ये भी वीडियो है। दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये लास्ट वाली वीडियो भी देख ही लेना एक बार, क्योंकि क्या स्पेशल एजुकेटर सामान्य शिक्षक बन सकता है, तो यस, इसका आंसर यही है, इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। अब मैं एक न्यूज़ दिखा देता हूँ आपको, जी न्यूज़। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 से जुड़ा मामला है, लेवल 1 है और तृतीय श्रेणी की है यानी कि प्राइमरी टीचर्स की है। हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा में योग्यता रखने वालों को दी राहत, सामान्य शिक्षक के पद पर आवेदन करने की दी छूट, यानी कि स्पेशल एजुकेटर अब जो है जनरल टीचर के लिए भी आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए पूरी वीडियो मैंने बताई है। और आवेदन रहेगा याचिका के निर्णयाधीन है, जस्टिस महेंद्र गौड़ ने दिया आदेश। तो दोस्तों, ये है सारी जानकारी कि भाई, एक तो ये है कि स्पेशल एजुकेटर जनरल टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है, किस तरह से अप्लाई करना है मैंने अभी वीडियो बना दी है, आप देख लेना बीच में, या तो पूरी वीडियो देख लेना, मैंने बता दिया है। मैंने ये भी बताया कि SSO ID कैसे बनाएंगे, ये भी बताया कि आप किस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूँगा। और दोस्तों, जब आप अप्लाई कर देंगे 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।